हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जेडी में 0910 में। तो आज हम एक फ़ोन के रिव्यू के बारे में बात करने वाला है। इस फ़ोन का नाम है Redmi Note 30 Plus 5G। ये फ़ोन फ़ोन 2 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है। तो आज हम इस फ़ोन के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले वो कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम फ़ोन के बारे में बात करने वाला है। तो इस फ़ोन का नाम पहले बताया मैंने कि रेडमी नोट 30 प्लस 5G। तो इसमें हमको फ्यूज़न डिज़ाइन रहने वाला। और हम डिस्प्ले की बात की बात की जाए तो 120 हर्ज की डिस्प्ले है। इसमें हम कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, कर्व एमोलेड डिस्प्ले। और जो साइड की कॉर्निंग है वो 3D कर्व होगी, जो सारे फ़ोन में होती है सिर्फ कर्व होती है। इसमें हमको 3D कर्व मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स फ़ोन रहने वाला है। और जो ग्लास की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स लगा हुआ है इसमें, मतलब फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और काफ़ी सारे अंदर फीचर्स भी आने वाले हैं उस फ़ोन में, और काफ़ी अंदर न्यू चीज़ें हैं। और इसको हमको मिलता है 120 हर्ट्ज का जो चार्जिंग है वो मिल वो मिलता है 120 हर्ट्ज। और अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसमें हमको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा। ये प्रोसेसर हमको इसमें मिलने वाला है, और ये तगड़ा प्रोसेसर है, मतलब फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परफॉर्मेंस की बात तो मैंने की कि फ़ोन में काफ़ी अच्छी चीज़ें अंदर रहने वाली है। और टाइप सी वाला केबल है, जो वो होता है वो टाइप सी है। जो कैमरे की बात की जाए तो कैमरा हमको मिलता है 200 मेगापिक्सल, मतलब काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है। और ये फ़ोन 2 दिन के बाद लॉन्च होने वाला है। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फ़ोन की सारी डिटेल्स नीचे डाल दी गई है, और काफ़ी तगड़ा अंदर सब कुछ होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।